लेमन टी। आसिफ साहब को देखो, आसिफ साहब लेमन टी में मजा आ रहा है? किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है? दिस इज ऑसम, अच्छी यार है। मुझे नहीं लग रहा था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस हॉस्पिटैलिटी इन आरओ, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी फर्स्ट टाइम, थैंक्स टू मीन मार्गरेट who is your best friend, he is your, he is my brother from another mother. He is such an amazing person who serve us just like as brothers and in this Milky Way. It's Milky Way. Yes, Hotel Milky Way. It's Hotel Milky Way. Moin Magri is there. Moin sir, batao. Hi. Kya batana? First of all, I would like to tell you that we are very grateful to the hospitality of this hotelier whose name is Fayaz Ahmed Malik. This property is Hotel Milky Way. तो ये आरओ में है, तो हमारी यही मतलब गुजारिश रहेगी सबसे कि जितने भी लोग आरओ आते हैं तो यहाँ पर कम से कम एक नाइट स्टे तो बनता है। हाँ ताऊजी भाई, बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है, क्योंकि क्या बताऊँ मैं, मेरे पास वो लापसी नहीं है कि आरओ वैली कितनी खूबसूरत जगह है, पहाड़ों से ढकी हुई। और इस आरओ वैली में मेरे साथ आसिफ शफी जैसा खूबसूरत बंदा होना, क्या बताऊँ। फिलहाल टी होगी, उसके बाद वापस चलेंगे रूम में, वहां पे कुछ करेंगे, खेलेंगे, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा है। अब वाईफाई की कोशिश हमने की थी लेकिन वो भी वीक दिखा रहा है। देखते हैं, बने रहिए। देखिए, पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तौसीफ भाई हेजिटेट कर रहा था यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड फोन। एग्जैक्टली Yes. ये बोल रहे थे कि मैंने इनको बोला था कि हम वापस ही पहलगाम जाएंगे क्योंकि वहां पे इंटरनेट भी आता है, फैसिलिटीज है, बट मोइन मागरे ने माना नहीं, बोला यही स्टे करेंगे। ओके, लेट्स स्पेंड अ नाइट हियर, देखेंगे कितना मजा आएगा। आई सब मतलब वी शुड एटलीस्ट पुट आवर डिमांड इन फ्रंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पहलगाम दैट काइंडली इंस्टॉल अ टावर, जियो टावर हियर। यस, जियो टावर या फिर कोई भी एयरटेल या जियो हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। यहाँ पे इस तरीके की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ज़्यादातर इस खतर, बिकॉज सोन पेशे जो मोबाइल से हमारा सब कुछ जुड़ा रहता है, तो ऐसे आसन टावर वन खत ब खास कर देखो वहां से कॉल भी आ रहा है। आई सो कॉल कौन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखा आज रात को जो होगा आपके साथ भी शेयर करेंगे, सुबह आपको फ्रेश मॉर्निंग जो कि आरओ वैली की है वो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि लोगों के कहने के मुताबिक आरओ वैली मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत आपको दिखाएंगे। फिर वापस हम पहलगाम जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आसिफ साहब की गाड़ी, मोइन साहब की गाड़ी पहलगाम में ही है, खाली मेरी गाड़ी हम लेके आए यहाँ पे को वापस ड्रॉप करना है और वहां से फिर वापस कर। लेमन टी हो गई, बस आप अपने रूम की तरफ निकलेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हो मोइन आसिफ भी ब्लॉग बना रहा है वहां से, ये बिल्कुल आपको होटल दिखाएंगे, सच लवली प्लेस। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, देखिए किस तरीके से आपको जूते निकालने पड़ते हैं यहाँ से, चप्पल है। बाहर निकलेंगे होटल से, एक सही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये देखो हमारा रूम कितना खूबसूरत है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब होटल में अगर आपको ये मिलेगा, ये बिल्कुल कश्मीरी इसको क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट। ये हमारा ट्रेडिशन है, बिल्कुल हमारे ट्रेडिशन को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मोइन साहब और आसिफ साहब सोएंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर अलग, मजा आने वाला है मजा। वो वॉशरूम है वहां से, मिरर है यहाँ से, अच्छा नॉर्मल रूम है। रेंट कितना लेते हैं इसका? ये तकरीबन 2500 लेते हैं ईपी का, 2500 में आपको मतलब ये रूम मिलेगा, बिल्कुल आरओ वैली से एक अच्छा रूम है। आपको यहाँ से हीटर भी है, दो चेयर के साथ टेबल भी, टीवी भी।
सो इट्स अ लवली मॉर्निंग फ्रॉम आर वैली. सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू. मोइन यहाँ पे, आसिफ वहां पे फोन कर रहा है. ये हमारा रूम है, हालात देखो, बदतर से बदतर. यहाँ से निकलेंगे सीधे पहलगाम जाएंगे. पहले वहां बाहर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर सीधा पहलगाम. देखिए कितनी खूबसूरत आरू वैली, बट कमी है यहाँ पे. लाइक आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइक टावर नहीं मिल रही आपको यहाँ पे जियो के. उसके साथ साथ खाने के लिए भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे आपको यहाँ पे. बस अगर आप नेचर लवर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है आरू वैली. देखिए किस तरीके से पहाड़ों से ढकी हुई वादी है. इट्स अ गुड प्लेस, बट थोड़ी सी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है यहाँ पर.